जय हनुमान सेवा वाहिनी द्वारा सावन के तीसरे सोमवार को भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा में हजारों शिव भक्तों के साथ विधायक देवेंद्र यादव ने भी कांवड़ यात्रा एवं पद यात्रा के विधायक देवेंद्र यादव के साथ शिव भक्तों ने शिवनाथ नदी से जल लेकर 24 किलोमीटर की पद यात्रा कर देवरोधा के प्राचीन शिव मंदिर पहुँचे और भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वही विधायक देवेंद्र यादव व जय हनुमान सेवा वाहिनी के सदस्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जय हनुमान सेवा वाहिनी के द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन रखा गया। इसमें पूरे भिलाई दुर्ग शहर के लोग सम्मिलित हुए। सब श्रद्धालु शिवनाथ नदी से देव बलोदा, जो हमारा प्राचीन मंदिर है, वहां तक पैदल जा रहे हैं। मैं सभी इस यात्रा में शामिल लोगों को शुभकामनाएं दूंगा और जय हनुमान सेवा वाहिनी के सभी सदस्यों को भी बधाई दूंगा कि इतना भव्य धार्मिक आयोजन उन्होंने रखा, जिसके हम लोग सब लोग हिस्से बन सके। और इस सावन पर्व में भोले बाबा से ये हम लोगों की प्रार्थना रहेगी कि हमारे प्रदेश, शहर की जनता की जितने भी अच्छा हो सके, उनके जीवन में खुशहाली है, इसी की कामना करने हम लोग जा रहे हैं। देखो, ये हमारा द्वितीय वर्ष है, कोविड के कारण हम नहीं निकाल पाए थे और आज जो कांवड़ यात्रा जय हनुमान सेवा वाहिनी हम लोगों ने निकाली है, हमारी टीम ने निकाली है, वो बहुत ही भव्य था। और आप लोग खुद देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है। इस कांवड़ यात्रा में इस बार प्रमुख चीज़ें ये रही कि इसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और सब लोगों ने सुबह जल उठा के प्राचीन देव बलोदा मंदिर जाके अभी जलाभिषेक करेंगे और देश में और हमारे शहर के खुशहाली के लिए और जनता की खुशहाली के लिए सब जल चढ़ा के शिव जी से ये प्रार्थना करेंगे। कांवड़ यात्रा कहाँ से शुरुआत की गई है? कांवड़ यात्रा दुर्ग शिवनाथ नदी के एनी गेट से शिव जी की जलाभिषेक करके, दूधाभिषेक करके वहाँ से निकला गया और ये दुर्ग शहर होते हुए भिलाई के प्रमुख सेक्टरों से होते हुए भिलाई चरोदा में आज आया है और यहाँ से हम देव बलोदा की प्राचीन मंदिर पर जाके जलाभिषेक करेंगे।